पेज का अंत, इसमें बात चल रही थी
जब अपनी छह सीट पर सेट हो जाते हैं तो कभी अपसेट नहीं होते। तो भिन्न भिन्न शेष स्थितियों की सीट पर सेट रहो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। अपसेट होते हैं तो अपने से भी असंतुष्ट होते हैं और दूसरों से भी असंतुष्ट होते हैं। इस सीजन की पहली अभ्यर्थवाणी में इस वर्ष का विशेष पुरुषार्थ बताया है। ना अपसेट होना है ना अपसेट करना है, संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी संतुष्ट करना है। अगली बात बोली है, ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, कितना प्यार है? बहुत है, बहुत प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड बाप को दिया है, क्या रिस्पॉन्ड दिया है? पंद्रह नवंबर 2003 की वाणी का तीसरा पेज। बाप का भी प्यार है तब तो आपका प्यार है ना। बाप का प्यार न होता तो आपका प्यार कहाँ से आता? तो रिटर्न क्या दिया काहे का? बाप के प्यार का रिटर्न क्या दिया? प्यार का रिटर्न है, प्यार का रिटर्न है समान बनना, यही रिटर्न है। किसके समान बनना? ब्रह्मा बाप के समान बनना। तो ब्रह्मा बाप ने तो 18 जनवरी 1969 को शरीर छोड़ दिया, सूक्ष्म बतनवासी हो गए, तो कैसे समान बनेंगे? हैं? समान कैसे बनेंगे? हैं? बाप रहेगा प्रत्यक्ष, उसे समान बनेंगे? नहीं, समान कैसे बनेंगे? वो तो स्थूल शरीर के बंधनों से परे हो गए, सिर्फ सूक्ष्म शरीर का बंधन रह गया। वो भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। बीच रूप स्टेज में आकर के दूसरा पार्ट पकड़ लिया ऊंची स्टेज का, क्योंकि सूक्ष्म बतन से भी ऊंची स्टेज कौन सी होती है? हैं? निराकार बीज रूप स्टेज है, निसंकल्पी स्टेज है, परमधामी स्टेज है, ब्रह्मलोक की निराकारी स्टेज जो शिव की है। शिव निराकारी है, निर्विकारी है और निरहंकारी है। तो ये समान बनने की रिटर्न देना है। अभ्यास कौन सा बताया था इसके लिए? अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्टेज में टिकने का अभ्यास करना है। तो यही रिटर्न है, ये सीजन का फर्स्ट टर्न है। तो फर्स्ट में फर्स्ट नंबर आ गए। बाप दादा को भी जितने ज्यादा बच्चे दिखाई देते हैं तो बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। जितना हाल बनाया है उतने ही आते हैं, माना जितने जितने हाल बनाते जाते हैं उतने उतने आते जाते हैं। अभी बड़ा हाल बनाओ तो बहुत आवे,
इससे भी बड़ा हाल बनाए। अभी देखो, अभी भी जितना बड़ा हाल बनाया है तो फुल हो गया है ना। ये फुल होना इशारा करता है कि और बड़ा बनाओ। हाल सज जाता है ना, और ऐसी शेष आत्माओं से हाल सजा हुआ है तो कितना अच्छा लगता है। मधुबन वाले भी, चाहे शांतिवन हो चाहे पांडव भवन हो, अगर खाली खाली होता है तो अच्छा नहीं लगता है। भरा हुआ होता है तो अच्छा लगता है कि मधुबन वालों को एकांत चाहिए है। ज्यादा भर जाते हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है तो अच्छा लगता है, या मधुबन वालों को अशांति होती है ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने से है। मधुबन वालों को ज्यादा लोग आ जाते हैं तो अशांति महसूस होती है, अच्छा लगता है या अशांति महसूस होती है? अच्छा नहीं लगता है ना। एकांत चाहिए माना। अंदर से कोई डिस्टर्ब होता है और उसके आसपास चारों तरफ कोई भीड़ लगा के इकट्ठी कर दे तो उसे अच्छा लगेगा है? अच्छा नहीं लगेगा। अब अव्यक्त बाप दादा तो जानते हैं, तो पूछा एकांत चाहिए? एकांत हद का या बेहद का चाहिए? बेहद का एकांत क्या होता है? एक के अंत में रहना है, एक का अंत जानना अर्थात तंत जानना। रहस्य क्या है, उस रहस्य को पहचान लेना। तो एक के अंत में रहना ये है बेहद का एकांत। और जो इसे एकांत में नहीं टिक पाते हैं उनको फिर स्थूल एकांत चाहिए। ज्यादा भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती। तो पूछा एकांत चाहिए कि संगठन रिमझिम अच्छी लगती है, फिर भी बीच बीच में एकांत मिल ही जाता है। अच्छा, डबल विदेशी भी आए हैं, अच्छा है, डबल विदेशियों से भी मधुबन का श्रृंगार हो जाता है। क्योंकि मधुबन इंटरनेशनल हो जाता है ना, देश और विदेश के सब इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा है, बाप दादा ने दादी का संकल्प सुना, संकल्प है आज सवेरे क्लास में दादी जी ने सभी को देश विदेश में सेवा की धूम मचाने का संकल्प दिया। भारत का कोई भी गांव, कोई भी देश इस वर्ष संदेश से वंचित न रहे, ऐसा प्लान बनाओ। ये दादी जी ने संदेश दिया। तो बाप दादा ने दादी का संकल्प सुना, संदेश सुना, संकल्प दिया है ना, अच्छा है। देखेंगे इस संकल्प को विदेश पूरा करता है या भारत पूरा करता है।
संदेश तो मिलना चाहिए। इतनी आपको प्राप्ति हुई, बाप मिला, खजाना मिला, पालना मिली, कम से कम अपने भाई बहनों को संदेश तो पहुंचना चाहिए। उलहना तो नहीं देंगे ना। किनको संदेश पहुंचना चाहिए हैं? अपने भाई बहनों को। अपने भाई बहन कौन है? बस जो ब्रह्मा की संतान बने हैं वही अपने भाई बहन हैं, उन्हीं को संदेश देना है। औरों को देना, लेकिन दादी का संकल्प क्या है और बाप दादा क्या पूछते हैं? हैं? दादी ने क्या संकल्प दिया? देश विदेश में धूम मचनी चाहिए। भारत का कोई भी गांव न रह जाए, है? उस हिसाब से तो गांव में तो बहुत सेवा कम हुई है। बड़े बड़े शहरों में तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम जानते हैं, लेकिन गांवों में तो आवाज भी नहीं है। और फिर सभी देशों में धूम मच जाए। दुनिया में देश तो बहुत है। तो दादी ने स्थूल रूप से कहा या कोई वो ये बात बोली? और बाप दादा किस तरह बोल रहे हैं? कम से कम बाप दादा ने शब्द क्या लगा दिया है? कम से कम अपने भाई बहनों को तो संदेश पहुंचना चाहिए है? कौन सी दुनिया में संदेश पहुंचना चाहिए है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में तो संदेश पहुंचना चाहिए। इतनी आवाज तो फैले, इतनी धूम तो मचे। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में चारों ओर संदेश फैलेगा कि बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ है। उस आए हुए बाप के एकांत में जाना है, उस एक का अंत पहचानना है। तो ये संदेश तो पहुंचना चाहिए। इस संदेश की शुरुआत कब से हुई? सेवेंटी सिक्स से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाना शुरू हुआ और 76 के लिए ही घोषणा की गई थी 66 में कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। तो पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना क्या चुटकी में हो जाएगी? इतना बड़ा विश्व है, इतने बड़े विश्व में एक ईश्वरीय संगठन का पहले सैंपल बनना चाहिए। तो 76 से शुरुआत हुई ब्राह्मणों की। जो आधार मूर्त दुनिया है अथवा जो ब्राह्मणों की बीज रूप दुनिया है उसमें संदेश देने की 76 से शुरुआत हुई थी। क्या शुरुआत? क्यों नहीं उससे पहले शुरुआत हुई? 76 को ही बाप का प्रत्यक्षता वर्ष क्यों मनाया गया? इसलिए मनाया गया कि 76 तक, 47 से लेकर 30 वर्ष ब्रह्मा के पूरे होते हैं। कितने? 30 वर्ष ब्रह्मा के पूरे होते हैं। ये पहली मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। सैतालीस से पहले के जो 10 वर्ष है
साथ में। वो है भक्ति मार्ग की फाउंडेशन के, वहाँ ओम की ध्वनि लगाई जाती थी भक्ति भक्त लोगों की तरह। पुरानी संस्कृत की गीता के अर्थ वेद सुनाए जाते थे जैसे दुनियावी भक्त लोग सुनाते हैं। उस समय ज्ञान की शुरुआत नहीं हुई थी। तो ज्ञान का आरंभ करने के लिए ब्रह्मा के मुख से शास्त्रों में जैसा लिखा हुआ है कि पहले पहले वेद वाणी निकली, ब्रह्मा के मुख से उच्छ्वास निकला और वेद निकले। वेद माना जानना, जानकारी। वेद माना जानकारी। तो बेसिक नॉलेज के बतौर आत्मा परमात्मा और इस सृष्टि के आदि मध्यंत की जानकारी ब्रह्मा की पहली मूर्ति के द्वारा मिली और उसके लिए टाइम निर्धारित हुआ 30 साल। अगर 100 साल के संगम में से ब्रह्मा के 30 साल निकाल दें तो कितने वर्ष बचते हैं? 76 से लेकर के 2036 तक कितने साल बचते हैं? 60 साल बचे ना। तो तीन मूर्तियां हैं। शिव जयंती गाई जाती है या गाई जाएगी या प्रत्यक्षता होगी, शिव के जन्म की प्रत्यक्षता होगी, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा, तो तीनों मूर्तियों के द्वारा शिव प्रत्यक्ष होगा या सिर्फ एक ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होगा? मुरली में क्या बोला है? मुरली में तो बोला है कि सिर्फ शिव जयंती नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो एक मूर्ति की प्रत्यक्षता तो 1947 से लेकर 1976 तक 30 साल में हुई, लेकिन दूसरी दो मूर्तियां कौन सी हैं उनके बारे में किसी को पता नहीं था। तो 76 को बाप दादा ने बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित किया, क्योंकि ब्रह्मा का तो अर्थ ही होता है बड़ी माँ। मैंने 76 तक कौन प्रत्यक्ष हुआ? जो सृष्टि की बड़ी माँ है वो छोटे छोटे बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुई। दुनियावी रीति से भी बच्चों के सामने पहले बाप प्रत्यक्ष होता है या माँ प्रत्यक्ष होती है? माँ प्रत्यक्ष होती है। छोटे छोटे बच्चे वो माँ को पहले पहचान लेते हैं, क्योंकि माँ से प्यार मिलता है, तो वो माँ के प्यार की भावना उनके दिल में बैठ जाती है। फिर माँ के द्वारा बच्चों को किसका परिचय मिलता है? बाप का परिचय। तो बेसिक नॉलेज की जो परिपक्वता ब्रह्मा के द्वारा हुई, वो तो परिपक्वता ने, ब्रह्मा की सोल ने सूक्ष्म शरीर को परिवर्तन करके बीज रूप स्टेज धारण करना शुरू कर दिया। क्या शरीर भी कितने हैं? भक्ति मार्ग में भी तीन प्रकार के आत्मा के शरीर माने जाते हैं। एक ये स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर, बीज रूप। तो 69 से दादा लेखराज ब्रह्मा ने सूक्ष्म शरीर धारण किया। वो सूक्ष्म शरीर धारण करने का, समान बनने का लक्ष्य बाबा ने नहीं दिया है। वास्तव में बाबा ने जो लक्ष्य दिया है वो ब्रह्मा की सोल जो सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली थी 76 से पहले, वो ब्रह्मा की सोल बीज रूप स्टेज धारण करके कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश कर जाती है। कौन से ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है? जो ब्रह्मा के बड़े चार पुत्र माने जाते हैं, मानसी पुत्र।
सनत सनंदन सनातन और शरत कुमार, उनमें सनत कुमार को ज्ञान के आधार पर सबसे बड़ा माना जाता है। जिनके नाम के आधार पर देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन पड़ता है, वो ब्रह्मा का बड़ा पुत्र जो सनत सनातन सनंदन और सनत कुमार, उनमें जो आखिरी पुत्र है तो छोटा लेकिन ज्ञान में बड़ा होता है। तो मुरली में क्या बोला, जो ज्ञान में बड़ा तो बड़ा था। तो बाप ने जो नॉलेज दी ब्रह्मा के द्वारा, उस नॉलेज को धारण करने में जो सीधा बच्चा ब्राह्मण बच्चा गया, उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर जाती। वो बच्चा ब्रह्मा की सोल को, माता को अपने मस्तक पर धारण करता है। क्या कहते हैं, माँ की आज्ञा बाप की आज्ञा सर माथे पर। तो बाप तो ज्योति बिंदु है ही, तीसरे नेत्र के रूप में, वो तो दूसरी मूर्ति में शंकर का तीसरा नेत्र दिखाया ही जाता है। लेकिन चंद्रमा के रूप में जिसने शीतल पार्ट बजाया, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, जिसकी रहबरी में रोशनी में कीड़े मकोड़े जैसे बिच्छू टिंडन जैसे दुख देने वाले बच्चे भी पलते रहे, ऐसे ज्ञान चंद्रमा को, शीतलता धारण करने वाली सोल को शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। वो चंद्रमा संपूर्ण होता है या अपूर्ण होता है? अपूर्ण होता है। माने कृष्ण की सोल संक्षेत्र में संपूर्ण नहीं बन जाती है, सिर्फ बीज रूप धारण, बीज रूप स्टेज धारण करने में परिपक्व होना शुरू होती है। तो वो बीज रूप स्टेज जो है, दो आत्माओं की परिपक्व स्टेज में होती है संक्षेत्र में, वहां से बाप की प्रत्यक्षता होती है। क्योंकि माँ के बगैर बाप नहीं है और बाप माँ के बगैर नहीं शोभता। तो भारतीय परंपरा में अर्धनारीश्वर का रूप पूजा जाता है, आधा अंग नारी का स्त्री का और आधा अंग पुरुष का। तो ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप ब्रह्मा की सोल और शंकर की सोल दोनों कंबाइंड रूप में पायत बजाते हैं, और उनमें शिव सुप्रीम सोल तो प्रवेश होकर रहता ही है। ये परमात्मा बाप का मुकर्रर रथ गाया हुआ है। इससे पहले दो रथ का वर्णन मुरली में आया है, कौन कौन से रथ, एक टेम्परेरी रथ और दूसरा मुकर्रर रथ। टेम्परेरी रथ सन 47 से शुरू हुआ और 69 में गायब हो गया, और जो मुकर्रर रथ है वो यज्ञ के आदि में भी था, जिसके द्वारा ब्रह्मा बाबा को अपने साक्षात्कारों का रहस्य पता चला था, ज्ञान का जिसके द्वारा बीजारोपण किया गया था। बीजारोपण करने के बाद जो आदि का कार्य है बाप का, वो समाप्त हुआ। बीच में बच्चे की पालना माँ के द्वारा होती है, तो ब्रह्मा माँ के द्वारा 69 तक साकार में पालना हुई, और 69 से लेकर के 76 तक अव्यक्त पालना हुई भरपूर। ये माँ की पालना का कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद अव्यक्त वाणी में बोल दिया कि जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो, कोई नौकरी करता है ना तो ट्रांसफर हो जाता है, तो क्या करते हैं, सेवा स्थान चेंज करते हो, वैसे ही बाप दादा ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। रूप वही है, सेवा वही है,
लेकिन स्थान चेंज हो चुका। तो भारत में भगवान का जन्म कहाँ माना जाता है? कौन सा स्थान है जहाँ भगवान का जन्म भूमि बहुत प्रसिद्ध है? भगवान का जो स्थान है वो विशेष रूप में भारत के अंदर कौन सा माना जाता है? चाहे वो शिव शंकर भगवान हो, चाहे वो राम भगवान हो, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, उनका स्थान विशेष कौन सा माना जाता है? यूपी। तो यूपी में स्थान परिवर्तन हुआ। वो स्थान परिवर्तन होने के बाद विश्व पिता 76 से ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होना चाहिए या बाहर की दुनिया में पहले प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए? तो ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मणों ने नंबर वार उस बाप को पहचानना शुरू कर दिया। तो बाप का जो संदेश है कि बाप प्रैक्टिकल में सृष्टि पर आया हुआ है, काहे के लिए आया हुआ है? जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, गा बजा के चले जाते हैं, दुनिया नीचे गिरती जाती है, ऐसा करने के लिए आया हुआ है? नहीं, वो सिर्फ धर्म स्थापन करने नहीं आता। धर्म स्थापन करने के साथ साथ राज्य और राजधानी स्थापन करके जाता है। क्या? राजधानी भी स्थापन करके जाता है। तो जो राजधानी स्थापन करके जाता है वो स्वरूप कौन सा है? राजधानी तो स्थापन करता है लेकिन माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलता है। क्या? स्वर्ग के गेट खुद नहीं खोलता, किसके द्वारा खोलता है? माताओं के द्वारा। तो माताओं में भी सबसे बड़ी माता होगी कोई? जगत पिता है तो जगदम्बा भी होगी। तो वो जगदम्बा जो है वो भी प्रत्यक्ष होती है। जगत पिता भी प्रत्यक्ष होना शुरू होता है ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में। बाहर की दुनिया की बात नहीं है। पहले घर का सुधार होगा या पर का सुधार और सारी दुनिया का सुधार हो जाएगा? पहले घर का सुधार, घर का परिवर्तन। और घर जो है ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया, उसमें भी स्थान बता दिया। जो दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रल प्लेस माना जाता है वो कौन सा शहर है? कौन से शहर की सेवा के ऊपर मुरली में और अव्यक्त बाप दादा ने सबसे ज्यादा जोर दिया है? दिल्ली। क्यों? दिल्ली है बाप का दिल। दिल्ली है स्वर्ग की दहलीज। दहलीज नाम भी तो है। दिल्ली स्वर्ग की दहलीज भी है, दिल्ली नरक की दहलीज भी है। क्या? दिल्ली पर सब धर्म वालों ने राज्य किया है। ऐसा दुनिया का एक भी शहर नहीं होगा जिस पर सब धर्म वालों ने राज्य किया हो। एक दिल्ली शहर ही ऐसा है जो सारी दुनिया का मात्र प्रधान शहर है। आज भी देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में, ये चारों ही मुख्य धर्मों के लोग जितना यहाँ निवास करते हैं उतना और किसी दुनिया के शहर में निवास नहीं करते। तो भारत है मातृ प्रधान देश, और उस भारत माता मातृ प्रधान देश का सेंट्रल प्लेस है दिल्ली। क्या? वो दिल्ली में पहले आवाज निकलनी चाहिए। दिल्ली का आवाज सारे भारत में पहुंचेगा।
इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे विश्व का परिवर्तन हो जाता है। दिल्ली पर सबकी नजर है, माने सब धर्म वालों की, सब देशों की दिल्ली पर नजर है, तो बाप दादा की भी नजर दिल्ली पर है। तो दिल्ली कोई चैतन्य के ऊपर नजर है या जड़ के ऊपर नजर है? है कोई चैतन्य दिल्ली है ना, जगत की माता के रूप में पार्ट बजाने वाली। पहले चैतन्य का सुधार होगा या पहले जड़ जमीन का सुधार हो जाएगा? पहले तो जो प्रतिनिधित्व करने वाली चैतन्य आत्मा है उसका सुधार हो, वो परिवर्तन हो जाए। अभी सब सीताएं रावण की जेल में है या राम के राज्य में पहुंच गई? तुम सब सीताएं हो, सब सीताओं में से कोई एक आध सीता ऐसी है जो राम के राज्य में पहुंच गई हो? है? राम का राज्य शुरू कहां से होगा? है? कोई तो छोटा परिवार बनेगा ना, पहले पहले तो इकाई चाहिए। विश्व के विस्तार में से एक युगल के भी अगर संस्कार मिलकर के एक हो जाए तो विष्णु कहा जाएगा कि नहीं? है? विष्णु कहा जाएगा, लेकिन विष्णु के दो हाथ तो होते नहीं, कितने होते हैं? चार हाथ चाहिए। है? हाँ, माना दो युगल हैं। वो दो युगल माने चार आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाए। ऐसे स्वभाव संस्कार मिलने वाली आत्माएं बाप समान इस तेज को धारण करने वाली होनी चाहिए। क्या उन चार आत्माओं में से कितनी आत्माओं के लिए सीट फिक्स कर दी है? हैं? तीन आत्माओं के लिए सीट फिक्स कर दी है। तीन सीट फिक्स हो चुकी है, अव्यक्त वाणी में बोला। कौन कौन सी तीन सीट फिक्स हो चुकी है? ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु, वो तो एक ही हो गए। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है, वो तो एक ही हो गए। क्या बोला है ना? क्या बोला है कुमार का बताओ, शिव बाबा के कितने बच्चे हैं? कोई कहते हैं एक ब्रह्मा ही बच्चा है असली, कोई कहते हैं हैं तीन बच्चे हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं, बाकी रहा शंकर, तो दो बच्चे हुए ना, हैं? दो बच्चे हुए, तो एक सीट फिक्स किसकी कर दी? ब्रह्मा की सीट फिक्स कर दी। तो क्या सीट या कुर्सी तो वो मौजूद हो और बैठने वाला प्रैक्टिकल में मौजूद ना हो तो दुनिया मान लेगी? हैं? जैसे कुर्सी की दौड़ होती है, अब कुर्सियां खाली पड़ी रहे, कोई बैठने वाला ना हो तो दौड़ संपन्न मानी जावी है? नहीं। तो पहली कुर्सी ब्रह्मा की बताई। सन 76 जो प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया था उसके लिए पहले भी मुरली में बोल दिया था, इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 66 में बोला, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, माने 66 से पीछे
चक्कर लगा जाओ तो पूरा चक्कर न लगे, 10 वर्ष कम रह जाए तो संघ 66 ही होगा ना। 10 वर्ष कम रह जाए तो 76 होगा, और 10 वर्ष वो भी पूरे कर दिए जाए तो कौन सा सन आएगा? सन 66। तो सन 76 के लिए बाबा ने इशारा दे दिया था कि लक्ष्मी नारायण का जन्म रूपी प्रत्यक्षता होने का जो वर्ष है वो सन 76 है। माना सन 76 में ही वो वैष्णो देवी और वो विष्णु उनका पार्ट प्रत्यक्ष हो चुका था। जो 2 सीट के लिए इशारा सन 73 के मेले में ही दे दिया था, 3 सीट प्रत्यक्ष होंगी। इस मेले की सजावट का इनाम दादियां दीदियां देंगी, और चैतन्य चेहरों की सजावट का इनाम बाप दादा देंगे। 3 मूर्तियों को देंगे, नंबरवार 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष होंगी। तो सन 76 में 2 मूर्तियां प्रत्यक्ष हो चुकी, लक्ष्मी और नारायण। इनकी सीट तो पहले से ही प्रत्यक्ष थी, लेकिन तीसरी सीट प्रत्यक्ष नहीं हो रही थी। तो अभी 4-6 वर्ष पहले से बाप दादा ने वो तीसरी सीट की भी घोषणा कर दी। 3 सीट फिक्स हुई है, ब्रह्मा तो विष्णु, बाप और जगदम्बा। जगदम्बा तो बच्ची है ना, क्या है जगदम्बा? किसकी बच्ची है, है? ज्ञान के तरीके से किसकी बच्ची है? जगदम्बा को भी ज्ञान किससे मिलता है, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में? बाप से मिलता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा की बच्ची हुई ना, यज्ञ के आदि में भी जगदम्बा को किससे ज्ञान मिलता है? बाप से ज्ञान मिला, और एडवांस में भी बाप से ज्ञान मिलता है। तो जगदम्बा हुई, भले जगत की अम्बा है लेकिन ज्ञान बाप से मिलता है। तो जगदम्बा बच्ची की प्रत्यक्षता होने के लिए रह गई थी, वो भी बोल दिया कि ये तीसरी सीट भी प्रत्यक्ष हो गई, तो ये 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष हो जाती ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ये 3 आत्माओं की प्रत्यक्षता जो है वो सारी दुनिया को इसका संदेश पहुंचाना है, तब ही बाप की प्रत्यक्षता कही जाएगी। या इसके अलावा कोई दूसरी बात है? बाप का संदेश पहुंचाना कि बाप 3 मूर्तियों के रूप में संसार में आया हुआ है, ये 3 मूर्तियों का झंडा बुलंद करना संसार में, जो विश्व विजय करके दिखलावे, तभी तो संदेश पूरा माना जाएगा। तो इसके लिए बोला, क्या बोला? इतनी आपको प्राप्ति हुई है ज्ञान खजाने की। कितनी प्राप्ति? कि प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले वर्तमान 3 मूर्तियों के स्वरूप को आपने पहचान लिया है। आपका इतना बड़ा हाल हो चुका है, ये बेहद का हाल है। क्या हद का हाल नहीं है? इतनी बड़ी आपको प्राप्ति हुई है, बाप मिला। क्या 3 मूर्तियों में एक ऐसा स्वरूप भी है जो स्पेशल बाप का पार्ट है? खजाना मिला, गुणों का खजाना मिला, शक्तियों का खजाना मिला, ज्ञान रत्नों का खजाना मिला, और पालना मिली, साकार पालना भी मिली और अव्यक्त पालना भी मिली। तो कम से कम अपने भाई बहनों को तो संदेश पहुंचना चाहिए। दादी ने तो ऐसे ही कह दिया। क्या कह दिया?
देश विदेश में सारी दुनिया में गांव गांव में धूम मचाओ। तो पहले गांव गांव में धूम किस चीज की मचाओ, किस बात की प्रत्यक्षता करनी है, है? बिंदी बात की प्रत्यक्षता करनी है क्या है? कि ब्रह्मा के तन में आया और चला गया, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक विवेकानंद की तरह आया राम गया राम हो गया, दुनिया नीचे गिरती चली जाती है, ऐसे बाप की प्रत्यक्षता होगी? नहीं। तो बोला कम से कम अपने भाई बहनों को संदेश तो पहुंचाओ। क्या संदेश पहुंचाओ? बाप का दर्द आया कि शिव बाप जो तीन मूर्तियों से प्रत्यक्ष हो चुका है, जो तीन मूर्तियां अपनी सीट पर सेट हो चुकी है, क्या कोई कोई को संदेह भी आता है किस बात में? ब्राह्मण बच्चों को, एडवांस वाले बच्चों को भी संदेह आता है कि बाप तो दिखाई देता है, जगत पिता तो दिखाई देता है, समझ में आता है, लेकिन जगदम्बा तो दिखाई भी नहीं देती। तो हो सकता है कि जगदम्बा का पार्ट न हो, लेकिन शास्त्रों में भक्ति मार्ग में जगदम्बा का मंदिर कहाँ दिखाया जाता है? गुफा में। गुफा माना गुप्त। अव्यक्त वाणी में भी बोला माँ अभी घूंघट में है। नहीं, अव्यक्त वाणी में नहीं, संदेश में। माँ तो घूंघट में है। घूंघट में है माना जो घूंघट में है वो हमेशा घूंघट में नहीं रह सकता, वो भी प्रत्यक्ष होगी। तो संदेश तो पहुंचना चाहिए। किनके बीच संदेश पहुंचना चाहिए? बाहर की दुनिया के अंदर या ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर संदेश तो पहुंचना चाहिए। उलहना तो नहीं देंगे ना? क्या उलहना देने की बात है? कि त्रिमूर्ति शिव बाप तीन मूर्तियों के रूप में प्रत्यक्ष रूप में ब्राह्मण परिवार के बीच में इतने साल से कार्य करता रहा है, और तुमको मालूम था? बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियों को भी पता है क्या? जो बड़ी बड़ी इंचार्ज ब्रह्मा कुमारियां, उनको सबको पता है कि ये तीन मूर्तियां हैं। तो कम से कम अपने भाई बहनों को संदेश पहुंचना चाहिए। बाहर की दुनिया की बात छोड़ दो अभी, क्या 30 साल ब्रह्मा की मूर्ति के पूरे हुए और 30 साल शंकर के भी पूरे होने जा रहे हैं, 75 से लेकर के 30 साल कब पूरे होते हैं? 2006 में शंकर का पार्ट भी संपन्न स्टेज को पहुंच जाएगा। जब संपन्नता होती है तो प्रत्यक्षता भी हो जाती है। तो संदेश तो पहुंचना चाहिए ना? और दो मूर्तियां पूरी प्रत्यक्ष हो जाएंगी, बाप और अम्मा प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो माँ बाप का कॉम्बिनेशन होने पर क्या होगा? विष्णु तो प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। तो कम से कम ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर तो संदेश पहुंचाओ। दादी ने तो भले कह दिया, क्या कह दिया कि सारी दुनिया में धूम मचाओ। माना बाबा का इशारा है कि अभी सारी दुनिया में धूम होने वाली नहीं है, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में तो धूम मचा लो। कम से कम ब्राह्मणों की दुनिया वाले उलहना तो नहीं देंगे? किस बात का उलहना? अरे दादाजी, अरे दीदी, अरे दादी जी, आप सब कुछ जानते थे तीनों मूर्तियां कौन सी हैं और आपने हमको नहीं बताया, हमको पता ही नहीं चलने दिया। आपको सब कुछ पहले से पता था, आपने हमसे छुपा लिया। क्या हम ब्राह्मण परिवार की भांति नहीं है? तो संदेश जरूर देना आवश्यक है। क्या संदेश देना
ब्राह्मण परिवार के सभी बच्चों को ये संदेश मिलना जरूरी है कि वो तीन मूर्तियां जो प्रत्यक्ष में प्रैक्टिकल में इस समय ब्राह्मणों की दुनिया में पार्ट बजाय रही है, उनकी पहचान हर ब्राह्मण बच्चे को होनी चाहिए। और इसमें मुश्किल क्या है? क्या तीनों मूर्तियों की प्रत्यक्षता में शिव बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए मुश्किल क्या बात है? हरेक जोन अपने अपने जोन के साइड, अपने अपने जोन के साइड को ये जिम्मेवारी बांट दो, और क्या है? क्या क्या करो? तो ये जिम्मेवारी बेसिक वाले बांटेंगे, ये जो एडवांस वाली ब्राह्मणों की दुनिया के लोग हैं वो जिम्मेवारी बांट सकते हैं। एडवांस की दुनिया के लोग हैं वो ये जिम्मेवारी उठा सकते हैं, क्योंकि बेसिक वालों को तो पता ही नहीं है, उनको तो सब कुछ मिलना अभी बचा हुआ है। बेसिक नॉलेज लेने वाले ब्राह्मण बच्चों को, अंश मात्र बच्चों को अभी तीन मूर्तियों का संदेश मिला है, तो अपने अपने जोन के साइड को बांटो, और क्या है? हर जोन में कितने सेंटर है? बेसिक में तो सेंटर है, और एडवांस की दुनिया में कौन से सेंटर है? गीता पाठशाला है। अगर मिनी मदनों को सेंटर कहा जाए तो भी गिने चुने नौ हैं। कितने? नौ। एक एक सेंटर को भी बांटो तो क्या बड़ी बात है? देखो, मधुबन में सेवा होती है वर्गीकरण की, उससे आवाज चारों ओर फैलता है। आप देखेंगे जब से ये वर्गीकरण की सेवा शुरू हुई है तो आईपी क्वालिटी में आवाज ज्यादा फैला है। जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं उनके बीच में आवाज फैल गया, वीवीआईपी की तो बात छोड़ दो, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं उनकी तो बात छोड़ो, उनको तो फुर्सत नहीं है, वो तो बहुत ऊंचे ऊंचे औहदे वाले हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, उससे भी आवाज तो फैलता है। अभी दिल्ली और कलकत्ता कर रहे हैं ना, क्या बड़े बड़े प्रोग्राम दिल्ली और कलकत्ता कर रहे हैं ना, अच्छे प्लान बनाए रहे हैं। क्या दिल्ली वाले भी अच्छे प्लान बनाए रहे हैं और कलकत्ता वाले भी अच्छे प्लान बनाए रहे हैं, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार पहुंचता रहता है। क्या दिल्ली वालों का और कलकत्ते वालों का विशेष सेवा का समाचार बाप दादा के पास पहुंचता रहता है। दिल्ली का आवाज फॉरेन तक पहुंचना चाहिए। क्या आवाज कहाँ से निकलेगी? हैं? दिल्ली से आवाज तो निकलेगी, लेकिन कहाँ तक आवाज पहुंचनी चाहिए दिल्ली की? फॉरेन तक आवाज पहुंचनी चाहिए, क्योंकि फॉरेन है फॉरेन करने वाला। मीडिया वाले क्या करते हैं? सिर्फ भारत तक मीडिया वाले अगर आवाज फैलाएंगे तो कहां तक आवाज पहुंचेगी? भारत तक। फॉरेन में आवाज आवे कि दिल्ली में ये प्रोग्राम हुआ। क्या बाप दादा की तीन मूर्तियों की प्रत्यक्षता का ये प्रोग्राम दिल्ली में संपन्न हुआ और कलकत्ता में ये प्रोग्राम हुआ? दिल्ली के लिए क्या बोला है?
अब वृक्तवाणी में बोला है दिल्ली है स्थापनाकारी, बम्बई है विनाशकारी, क्या धमाधम बम छोड़े जाएंगे ज्ञान के। और ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो आसुरी तत्व काम कर रहे हैं उनका डब्बा गोल कर दिया जाएगा। तो फॉरेन से आवाज आवे कि दिल्ली में ये प्रोग्राम हुआ, कलकत्ता में यह प्रोग्राम हुआ, क्योंकि कलकत्ता के लिए बोला है, कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। ये वहां का आवाज इंडिया में आवे, इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जागने हैं ना, क्या क्या जागने, कौन जागने, भारत के जो कुंभकर्ण हैं, जिनके कानों पर तीन मूर्तियां कार्य कर रही है प्रैक्टिकल में, उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है, इस बात को मान नहीं रहे हैं क्या कि तीन मूर्तियों के रूप में परमात्मा बाप शिव आ चुका है। तो वो भारत के कुंभकर्ण बाहर की दुनिया में है या ब्राह्मणों की दुनिया में है? ब्राह्मणों की दुनिया में है। जो संकल्प कर रहे हैं, संदेश फैलाए रहे हैं, क्या क्या संकल्प का धूम मचाने के लिए बोला कि बाप बिंदी आया हुआ है, ब्रह्मा के तन में आया था, ब्रह्मा का चोला छूट गया, अब बाप राजधानी स्थापन कर रहा है, स्वर्ग स्थापन कर रहा है, ये धूम फैलाओ। तो वो तो सोए हुए हैं, ये धूम फैलाने की बात पैदा नहीं होती, ये बात प्रत्यक्ष नहीं होती, साबित नहीं होती, निराकार साकार के द्वारा इस सृष्टि पर आकर स्वर्ग स्थापन करता है। तो दुनिया उसे निराकार बाप के सुख देने की प्रक्रिया को याद करती है, परमात्मा बाप को सारी दुनिया सुखदाता के रूप में याद करती है। कोई भी धर्म का क्यों न हो, भगवान को तो सब मानते हैं, तो भगवान से कुछ जरूर प्रैक्टिकल में प्राप्ति हुई होगी ना। ऐसे थोड़े ही कि जैसे और धर्म पिताएं आए और आकर के गाल बजा के चले गए और दुनिया नरक बनती गई, नहीं, परमात्मा बाप इस सृष्टि को नरक से स्वर्ग बना करके जाता है। तो ये आवाज जो भारतवासी कुंभकर्ण है उनके कानों तक पहुंचे, विदेश से ये जागेंगे, जागने तो है ना, तो विदेश की खबर का महत्व होता है, क्या कहा, माने जो भारत के कुंभकर्ण है जब कलयुग का अंत होता है तो सारे बड़े बड़े जो सन्यासी हैं वो कहाँ भागने लगते हैं, हैं? विदेश में भागने लगते हैं, महेश योगी हवाई जहाज पर ही चढ़े रहते, कहाँ का चक्कर लगाते रहते, विदेशों का चक्कर ही लगता रहता है, चाहे आचार्य रजनीश हो, चाहे बड़े बड़े और कोई भी हो, वो विदेशों में उनका प्रभाव ज्यादा हो जाता है। तो यही शूटिंग ब्राह्मणों की संगम की दुनिया के जो विदेशी आत्माओं को जगाने के लिए कार्य, ब्राह्मणों की दुनिया के संगम भी कुंभकर्ण कर रहे हैं कि दुनिया में धूम मचाओ, ये दुनिया में धूम ऐसे नहीं फैलेगी। भारत में प्रोग्राम और समाचार विदेश की खबरों से पहुंचे तब ये चारों ओर फैलेगा। क्या कहा, भारत में प्रोग्राम हो और समाचार विदेश के अखबारों में पहुंच जाए तब चारों ओर फैलेगा। भारत का आवाज विदेश में पहुंचे
और विदेश का आवाज भारत में पहुंचे तो उसका प्रभाव हो जाएगा। अच्छा है प्रोग्राम जो बना रहे हैं अच्छे अच्छे बनाए रहे हैं। कौन कौन बनाए रहे हैं? दिल्ली वाले और कलकत्ता वाले। बाप दादा दिल्ली वालों को भी मोहब्बत के मेहनत की मुबारक देते हैं। क्या दिल्ली वालों को किससे मोहब्बत है? दिल्ली वालों को सबसे ज्यादा फखर, सबसे ज्यादा फखर किसका होगा? अरे दिल्ली वालों को दिल्ली का फखर होगा। इलाहाबाद वालों को किसका फखर था? जो हर बार इलेक्शन में नेहरू जी कहाँ से खड़े हो जाते थे? इलाहाबाद से खड़े हो जाते थे ना, वहां से जीतते थे। तो दिल्ली वालों को किसका फखर है? दिल्ली का फखर है कि दिल्ली हमारी राजधानी है, राजाओं की धारणा शक्ति है। कलकत्ता वालों को भी इन एडवांस मुबारक है प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि सहयोग स्नेह और हिम्मत जब तीनों बातें मिल जाती हैं तो आवाज बुलंद हो जाता है। क्या आपसी सहयोग भी हो, आपसी स्नेह भी हो और उमंग उल्लास हिम्मत भी हो, आवाज फैलेगा क्यों नहीं फैलेगा? क्या कहा है? आवाज क्यों नहीं फैलेगा? अभी मीडिया वाले ये कमाल करना, कहाँ के मीडिया वालों की आवाज सारे भारत में पहुंचती है, और कोई दूसरे शहर के मीडिया वालों की आवाज सारे भारत में नहीं पहुंचती। कौन से शहर के मीडिया वाले हैं जिनकी आवाज सारे भारत में पहुंचती है? दिल्ली की। तो बोला अभी मीडिया वाले ये कमाल करना, सभी ने टीवी में देखा, ये टीवी में आया क्या दिल्ली में मीडिया का एक हिस्सा टीवी भी है? अखबार तो होते ही है लेकिन रेडियो और टीवी भी मीडिया का एक हिस्सा है। तो टीवी में देखा, टीवी में आया, वो तो देखा। क्या देखा? कि बेसिक नॉलेज की बात तो टीवी में आई, सिर्फ यह नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं कि टीवी में आया, वो तो भारत में आ रहा है, अभी और विदेश तक पहुंचो। अभी देखेंगे ये साल आवाज फैलाने का कितना हिम्मत और जोर शोर से मनाते हैं। क्या कहा? कौन सा साल है? उधर 30 साल पूरे हुए तो 75 में प्रत्यक्षता वर्ष की शुरुआत हुई, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष शुरू हुआ। शुरू होने में और अंत होने में कितना टाइम बता दिया है? शुरू होने में और पूरी प्रत्यक्षता होने में कितना टाइम बताया? 30 साल। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष शुरू हुआ 1976 से और 2006 तक पूरा होना चाहिए, पूरी प्रत्यक्षता हो जानी चाहिए। तो बोला यह साल आवाज फैलाने का कितना हिम्मत और जोर शोर से मनाते हो ये अभी देखेंगे। माना इस साल आवाज तो फैलेगा लेकिन आवाज 100% नहीं फैलने वाला है,
आवाज फैलेगा, लेकिन बहुत कुछ फैलेगा परसेंटेज में, लेकिन 100% नहीं फैलेगा। इसलिए बोला अभी देखेंगे ये साल आवाज फैलाने का कितना हिम्मत जोर शोर से मनाते हो। बाप दादा को समाचार मिला कि डबल फॉरेनर्स को बहुत उमंग है। क्या कहा? जो डबल फॉरेनर्स हैं उसको बहुत उमंग है ना? अच्छा है, एक दो को देख और भी ज्यादा उमंग आता है। जो के वो ब्रह्मा बाप समान। अच्छा है, ओम सर। दादी को जो संकल्प आता है वो तो कुंभकर्णी संकल्प है क्या? उनकी तो बुद्धि में ये बात है ही नहीं कि कौन सी बात की धूम मचनी है। अच्छा है, इसलिए बोला दादी को भी संकल्प आता है। तुम बच्चों को संकल्प आता है तो दादी को भी संकल्प आता है। तुम्हारा संकल्प है बेहद में और दादी का संकल्प है हद में। बिजी करने का तरीका अच्छा आता है। किसको? दादी को। अगर ये भक्ति मार्ग के टंटे में जिज्ञासुओं को न उलझा दे तो एडवांस पार्टी का नाम जल्दी बाला हो जाएगा। इसलिए क्या तरकीब निकाली? ब्राह्मणों को, जो बेसिक में ब्राह्मण चल रहे हैं, उनको बिजी करने का तरीका दादी को अच्छा आता है। कोई न कोई प्रोग्राम में दुनिया भी तरीके से उलझाए देती है। अच्छा है, ये इस बात की निमित्त है। क्या असली बात से बुद्धि का योग बच्चों का हटा करके और भक्ति मार्ग में लगा देना। भक्ति कहाँ से आती है? रावण से। और ज्ञान कहाँ से आता है? राम से। अच्छा, ओम सा। मनसा एकाग्र तो करो पहले। अमृत वेला सुधारोगे तो मनसा भी एकाग्र होगी। बॉम्बे वालों का तो कमाल है। क्या कमाल है? आवाज फैलाने का कमाल है, बम फोड़ने का कमाल है। बॉम्बे में बॉम्ब फूटे हैं प्रैक्टिकल में। बॉम्बे जब एडवांस में निकला था तो वहाँ स्कूल बॉम्ब और ज्ञान के बॉम्ब भी छूटे थे। कौन से सन में? दाऊद 92-93 की बात है ना? हाँ जी। तो आदि में हुआ तो अंत में भी होगा। बोला है बाबा ने कि भक्ति मार्ग में जो चित्र बनाया है उसमें ब्राह्मणों को उड़ा दिया है। क्या मस्तक में देवताओं को दिखाया है, भुजाओं में क्षत्रिय को दिखाया है, लेकिन जो चोटी में ब्राह्मण दिखाए जाने चाहिए वो ब्राह्मण नहीं दिखाए। तो चित्र में तो ब्रह्मा कुमारियों की तरह भले तुम भी दिखा दो। क्या चित्र में दिखाना जरूरी है या चैतन्य में दिखाना पहले जरूरी है? पहले चैतन्य में दिखाओ
दुनिया में चित्र भी कब बनते हैं? पहले बनते हैं या पहले चैतन्य आता है? पैदाइश, पैदाइश किसकी होती है? पहले चैतन्य को पहले प्रत्यक्ष करो, फिर जड़ अपने आप बन जाएंगे। क्योंकि जड़ बनाना तो बहुत आसान होता है ना? जड़ झंडा लहरा दो कागज कपड़े का, अपने अपने घर में चाहे जितने झंडे लहरा दो, लेकिन जो शरीर रूपी तीन वस्त्र हैं उनके संगठन का झंडा लहराया जाए। ब्रह्मा विष्णु संगठ, ब्रह्मा विष्णु शंकर रूपी जो तीन वस्त्र हैं, हैं उसका जो संगठन है, जिसकी यादगार झंडा बना हुआ है, उसकी प्रत्यक्षता हो, उसका नाम बुलंद हो संसार में, ये विश्व की विजय करके दिखलावे, सब बात है। अब व्यक्त बाप दादा इशारे भी बहुत देते रहते, बोला भी है कपड़े के झंडे से चाहे लहरा दो, रोज लहराते रहो। हाँ जी।